कि आम और लीची का जो टिकोला है उकर देखभाल के बारे में। तो चलो सबसे पहले हमरे जो है हमारे घर विशेषज्ञ हैं उनकरे से जानकारी ले लो थी। आम और लीची के जितने ज़्यादा जो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे ज़िले में जो प्रभेद जो हैं ज़्यादातर सारे प्रभेद में मंजर से ऊपर उठ के अब हमारे जो हैं वो टिकोले लग गए हैं। अगर टिकोले में मटर के दाने के बराबर का टिकोला हमारा हो गया है तो हम उसमें छिड़काव कर सकते हैं कीटनाशकों का, ताकि हमारे रोग और व्याधि कीट जो है वो ना लगे, कीट पतंगों से भी बचाव किया जा सकता है। लेकिन अगर वो मटर के दाने से छोटे हैं तो हमें रुक जाना है, तब हमें कीटनाशकों का या रोग उनका दवाई का छिड़काव नहीं करना है। और अगर कीटनाशक में हम लोग जैसे अभी हम लोग दे सकते हैं इमीडा क्लोरोपिड नामक जो हमारी कीटनाशी है उसको हम लोग दे सकते हैं, हमारे किसान भाई उसको उसका स्प्रे करा सकते हैं। उसका जो डोज रहेगा वो 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में डाल के उसको हम लोग को छिड़काव करना है। इससे ज़्यादातर हमारे जितने भी प्रभेद रहेंगे आम और लीची के उनमें रोग और व्याधि और कीटों से उसका बचाव, कीटों से ज़्यादातर कीटों का बचाव किया जा सकेगा। साथ ही ये भी ध्यान देना है कि अभी जैसे बारिश हो जा रही है, बारिश होती है तो हमें उसमें जो है सिंचाई नहीं करना है, लेकिन अगर हमको दिख रहा है कि हमारे जो मिट्टी है उसमें अभी हमारे आम का बगान का मिट्टी सूखा हुआ लग रहा है, पेड़ के चारों किनारे की मिट्टी अगर सूखी हुई लग रही है तो हम उसका उस बगान का हम कर सकते हैं सिंचाई का उसको कर लेना है। और सिंचाई जो रहेगा वो देखते हुए ध्यान देते हुए हम सप्ताह में 1 बार या 10 दिन के अंतराल पर हम सिंचाई करेंगे। और फल जो हैं वो चूँकि अभी छोटे हैं और हवा का प्रकोप भी रह रहा है, बारिश भी बीच में हो जा रही है, तो 1 बार प्लानोफिक्स नामक आती है दवाई, वो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड रहता है तो उसमें तो उसका भी हम छिड़काव कर सकते हैं। उससे क्या रहता है कि उस जो हमारे फूल और फल जो लग रहे हैं छोटे वो झड़ने की समस्या जो रहती है वो थोड़ी कम हो जाती है। और ये हाँ ये भी ज़रूरी है कि जितने आम में हमारे जो मंजर बहुत लगता है लेकिन सारे उतने मंजर जो रहेगा वो सब फल नहीं पकड़ता है, ये चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है। वो उसमें अगर वो गिरते भी हैं तो इसमें हमारे किसान भाई जो हैं वो जैसे हवा के दबाव से तो काफ़ी मंजर जो है वो थोड़ा झड़ा था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो आम रहेगा आम या लीची रहेगा वो 25-30% भी अगर लग गया जितने फूल में उतने भी अगर हमारे तो वो पर्याप्त हो जाएंगे, हमारा अच्छा मुनाफा हमारे किसान भाइयों को मिलेगा।